दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पे तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर पे बेस्ड है और ये पार्ट थ्री है हमारा इससे पहले भी हमारा दो पार्ट आ चुका है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो हमारा पहला क्वेश्चन है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए डी पी और आपके ऑप्शन दिए गए हैं एन एदिन, एडिन डी ऑक्सी फॉस्फेट बी एडीनोसिन डी डाई फॉस्फेट सी एडिनिन डायफॉसफोरस डी एडिनोसिन डी तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर है बी एडिनोसिन डाई फॉस्फेट ये याद करने वाला एक क्वेश्चन है आप लोग इसे याद रखें क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू है व्हाट इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल आपके ऑप्शन दिए गए ए ए डी पी बी ग्लूकोज सी ए टी पी डी एन ए डी पी एच तो देखते हैं इसका आंसर इसका आंसर है सी ए टी पी ए टी पी हमारा एनर्जी करेंसी के यूज के तौर पे यूज़ होता है हमारे सेल में जब भी एनर्जी का कोई भी काम होता है और एनर्जी उसके लिए चाहिए होता है तो ए टी पी का ही बॉन्ड ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होता है तो उसे हम अपने काम में लाते हैं जो भी काम रहता है सेल का वो करते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर मिथ्री द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर इन डैश ऑफ द सेल आपके ऑप्शन दिए गए ए माइक्रोकॉन्डिया बी गोल्गी बॉडी सी वैक्यूल डी साइटोप्लाज्म तो देखते हैं इसका आंसर इसका आंसर है डी साइटोप्लाज्म ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म में ही अकर करता है देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्ड पायरुबिक एसिड जिसे पायरुबेट भी कहते हैं एंड लैक्टिक एसिड लैक्टेट आर अ डैश कार्बन कंपाउंड ऑप्शन दिए गए ए थ्री टू बी थ्री थ्री सी थ्री सिक्स डी सिक्स एंड सिक्स तो देखते हैं इसका आंसर इसका आंसर है थ्री एंड थ्री पायरिविक एसिड और लैक्टिक एसिड दोनों ही थ्री कार्बन कंपाउंड है मतलब तीन कार्बन से बना हुआ है देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड टू फूड वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम तो ऑप्शन दिए गए हैं ए बाय मूवमेंट ऑफ सेलिया बी बाय सुडोपोडिया सी फूड वैक्यूल डायरेक्टली कैप्चर्स द फूड डी बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल तो इसका आंसर देखते हैं ए इसका आंसर है ए बाय मूवमेंट ऑफ सेलिया सेलिया के मूवमेंट के थ्रू ही पारमिशियम क्या करते हैं अपने फूड को अंदर की ओर फूड वैक्यूल में लेता है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ द सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स ऑप्शन दिए गए हैं ए स्टोरेज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस बी एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस सी प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स डी प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया तो देखते हैं इसका आंसर इसका आंसर है बी एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस जो साइकिल का स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम एल्वियोलाइ कहते हैं उसके थ्रू रिस्पायरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उससे वो जो प्रोसेस होता है वो वहीं पे होता है तो एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग सब आंसर रीअबॉर्ब इन द नेफ्रॉन ऑप्शन दिए गए ए यूरिया यूरिक एसिड एमिनो एसिड बी ग्लूकोज एमिनो एसिड सॉल्ट सी ग्लूकोज यूरिया एंड क्रिटिन एंड डी ऑप्शन दिया गया है के सी एल यूरिया एंड ग्लूकोज तो इसका आंसर है बी ग्लूकोज एमिनो एसिड्स एंड सॉल्ट ये दो है जो, ये जो, जो तीनों हैं ये रिओब्ज़ॉर्ब होते हैं हमारे नेफ्रॉन में और भी पार्ट्स होते हैं इनके और भी कुछ होते हैं एलिमेंट्स लेकिन ये तीन मेजर रहते हैं तो आप इसे याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन आवर ब्लड तो ऑप्शन दिया गया ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड B. Transportation of oxygen. C. Clotting of blood. D. Reduction of toxins in plasma. तो देखते हैं इसका आंसर इसका आंसर है सी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स जो प्लेटलेट्स रहते हैं हमारे ब्लड में वो क्या करते हैं क्लॉट करते हैं क्लॉट कहने का मतलब अगर आपका कहीं पे घाव लग गया या कट गया है कुछ भी हो गया तो प्लेटलेट जो रिलीज होता है वो क्या करता है उन्हें फाइब्रेन फाइबर्स बनाता है और ब्लड को बहने से रोकता है क्लॉट करता है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन डायलिसिस फ्लूड कंटेन्स ऑल द कॉन्स्टिटुएंट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट डैस ऑप्शन दिए गए ए यूरिया बी वाटर सी कार्बन डाइऑक्साइड डी ग्लूकोज तो देखते हैं इसका आंसर इसका आंसर है ए यूरिया ये बोल रहा है डायलिसिस फ्लूड जो होता है उसमें सारे कॉन्स्टेंट रहते हैं प्लाज्मा के एक्सेप्ट क्या नहीं रहता है तो यूरिया जो है वो नहीं रहता है अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन एल्वियोलाई अकर थ्रू डैस ऑप्शन दिए गए ए आब्जॉर्बशन बी डाइलिस सी डिफ्यूजन सी डिफ्यूजन डी एनारोबिक डिस्पायरेशन तो इसका आंसर है डी डिफ्यूजन डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही क्या होता है हमारे लंग्स के एल्व्योलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज गैस का एक्सचेंज होता है